Children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Healthy Habits. In this chapter, we're going to learn about healthy food habits and healthy living habits. Good health is essential for a good life. We cannot do anything that we love to do if our health is not good. When you fall sick, neither you can go to school nor you can go out to play. No one likes being sick and lying on the bed for the whole day. Good health. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गुड लाइफ के लिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है राइट right? जब आप बीमार होते हो ना स्कूल जा पाते हो ना ही बाहर खेले जा पाते हो और कोई भी पसंद नहीं करता कि वो सारा दिन बेड पे ऐसी पढ़ावा रहे डू यू नो वाई डू वी फॉल सिक वी फॉल सिक वेन वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड आर सराउंडिंग्स वी नीड टू हैव सर्ट इन हेल्दी हैबिट्स इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी दीज हैबिट्स विल हेल्प अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स हम बीमार क्यों पड़ते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी का और अपने सराउंडिंग का ढंग से ख्याल नहीं रखते हमें कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाना होगा जिससे कि हम हेल्दी रह सकें हेल्दी फूड हैबिट्स ईट एट रेगुलर इंटरवल्स इट इज नॉट वाइज टू कीप मंचिंग द होल डे देर शुड बी अ फिक्स टाइम फॉर टेकिंग मिल्क एंड लाइट स्नैक्स इन बिटवीन द मेन मील

You should eat healthy food cooked at home by your mom. Eating junk food all the time will make you fat, and then you will not be able to run around. You should keep the food in covered containers. fly sit on the uncovered food and leave germs, and it may make you sick. Healthy food खाना है आपको जो आपकी मम्मी घर पे बनाती है। अगर junk food खाएँगे ना सारा दिन, तो आप क्या हो जाएँगे? Fat हो जाएँगे। और इसके बाद आप एक जगह से दूसरी जगह ढंग से move भी नहीं कर पाएँगे और भाग भी नहीं पाएँगे। फूड हमेशा कवर्ड कंटेनर्स का ही खाएं यानी कवर्ड होना चाहिए आपका फूड क्योंकि अनकवर्ड फूड में ना आपकी फ्लाइज बैठ जाते हैं जैसे कि अगर आपने उसको खाना खाया तो आप बीमार पड़ सकते हैं यू शुड वॉश द फ्रूट्स वेल बिफोर ईटिंग यू शुड वॉश योर हैंड्स टू बिफोर ईटिंग इवन द कंटेनर इन विच फूड इज कैप्ड शुड बी क्लीन फ्रूट्स खाने से पहले उसे अच्छे से धोना है खाने से पहले भी आपको अपने हाथ धोने हैं और कंटेनर जिसमें आपका फूड रखा गया है वो भी आपका साफ होना चाहिए मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रियस एंड आर बॉडी नीड्स सो यू शूड ड्रिंक मिल्क एवरी डे इट मेक्स यूर बोन्स स्ट्रॉन्ग मिल्क आपका एक कम्प्लीट फूड होता है इसमें सारे ही न्यूट्रियस होते हैं इसीलिए आपको रेगुलरली दूध पीना चाहिए पल्सेज हेल्प यू टू ग्रो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प टू फाइट जॉम्स सो ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड सालिड एवरी डे पल्सेज यानी दालें आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आपको हेल्प करते हैं जॉम्स से फाइट करने में इसीलिए आपको फ्रूट्स एंड सैलेड्स रोजाना खाना चाहिए ड्रिंक लस्सी और बटर मिल्क गुड फॉर योर हेल्थ लेमन और फिर बटर मिल्क पीना चाहिए आपको कोला की जगह बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसी तरह से घर पे बना हुआ लेमन वाटर पिए या शिकंजी जिसे आप बोलते हैं ईट फूड वाइजली फॉर गुड हेल्थ एंड नॉट जस्ट Taste. You may eat junk food once in a while, but eating too much of it is not good for your health. Avoid eating too many toffees and chocolates. They will cause cavities in your teeth, and you will have toothache. आपको खाना जो है अपनी गुड हेल्थ के लिए खाना है ना कि टेस्ट के लिए जंक फूड कभी कभार वंस एंड अ वाइल्ड चलता है बट हमेशा ज्यादा नहीं खाना है उसको इसी तरह से ज्यादा टॉफीज एंड चॉकलेट्स भी नहीं खानी है इससे आपके टीथ में कैविटी होंगी एंड देन आपकी दांतों में दर्द होगा

हेल्दी तो बनेंगी इसके साथ ही वेल्दी एंड वॉइस भी तो इसीलिए आपको क्या करना है सुबह जल्दी उठना है ये बहुत ही अच्छा तरीका एक हेल्दी स्टार्ट है आपका डे और आप मॉर्निंग वॉक भी जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ क्योंकि मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ वी शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेट वेन वी डू नॉट ब्रश आर टीथ प्रॉपरली दम्प ग्रो ऑन द फूड टीथ एंड मेक कैविटीज इन आर टीथ आपको रोजाना दो टाइम ब्रश करना है मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले अगर आपने ब्रश नहीं किए प्रॉपरली तो जॉम्स जो है आपके टीथ में खाना स्टक् होता है उसमें क्या होता है जॉम्स ग्रो करते हैं और फिर हमारे टीथ में कैविटीज करते हैं वेअर क्लीन एंड वेल आय क्लोथ्स डोटी क्लोथ्स में कॉज स्किन इन्फेक्शन हमेशा साफ कपड़े पहने एंड वेल आय प्रेस होना चाहिए उनमें डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड पैक योर बैग स्कूल बिफोर गोइंग टू बेड सो दैट यू डू नॉट फर्गेट एनीथिंग इन द मॉर्निंग हमेशा अपना होमवर्क करें एंड अपना बैग जो है रात को ही पैक कर लें ताकि आपको सुबह उसमें से कुछ ना भूलें यू शुड कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेज एंड शुड नॉट स्केट दैम य्योर एंड दियर एट होम यू शुड हेल्प योर मॉम एंड डैड बाई डूइंग लिटिल थिंग्स योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट द प्रॉर प्लेसेज आपको अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं बिखेरनी है प्रॉपर प्लेस पर रखना है अपनी मॉम और डैड को आपको हेल्प करना चाहिए अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस में रखने में यू शुड कीप अ चेक ऑन द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट होम एंड एट स्कूल स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस वेन नॉट इन यूज एंड डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग आप घर पे चेक करें कहीं पानी वेस्ट तो, वेस तो नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट तो नहीं हो रही है अगर आप घर पे या स्कूल में हैं अगर फैंस या लाइट्स अननेसेसरली अगर जल रही है तो आप उसे बंद कर दें इसी तरह से ब्रश करते टाइम आपको जो टैप है वो नहीं खुला नहीं छोड़ना है यू शुड नॉट वेस्ट फूड एज वेल जस्ट टेक रिक्वायर अमाउंट ऑफ फूड दैट यू कैन ईट यू शुड नॉट थ्रो वेस्ट रैपर्स एंड फ्रूट पील ऑन रोड और एनी वेयर ऑन फ्लो ऑलवेज पुट दैम इन डस्टबिन इसी तरह से आपको फूड वेस्ट नहीं करना आप सिर्फ उतना ही फूड लेंगे जितना आप खा सकते हैं और कभी भी आपके जो वेस्ट रैपर्स हैं या फ्रूट पील्स हैं कभी भी उसे रोड पे या फ्लोर पे नहीं फेंकेंगे हमेशा उसे डस्टबिन में ही डालेंगे लेट अस रिमेंबर वी फॉल सिक वेन वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आर डायट बॉडी एंड सराउंडिंग्स वी शूड फॉर्म हेल्दी हैबिट्स इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी हम बीमार तभी पड़ते हैं जब अपनी डायट का बॉडी का सराउंडिंग का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो उसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी हेल्दी फूड हैबिटि गिव अ बॉडी प्रॉपर नरिशमेंट टू कीप हेल्दी इफ यू फॉलो हेल्दी हैबिटिट्स वी कैन इंजॉय अर हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ इसी तरह से अगर आप हेल्दी फूड्स अपनाएंगे तो क्या होगा आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने जब आप करेंगे तो क्या होगा आप एक हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ इन्जॉय करेंगे चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारी हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे एंड आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे